नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की चंपावत से मिल रही खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन किया। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरा है सीएम ने। कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन किया है चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए, नामांकन भरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बता दें कि उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने यहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसे लेकर सीएम धामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि ये सीट बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनुज अवस्थी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। अनुज, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन दर्ज कराया है चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए, ये वही सीट है जो कि कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत सीट के लिए उपचुनाव को लेकर के अपना नामांकन दर्ज कराया है, साथ ही साथ सबसे पहले सुबह उन्होंने, चूंकि आज सोमवार है तो इसको लेकर के सबसे पहले उन्होंने शिव मंदिर गए और शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो अपना नामांकन कराने गए, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। साथ ही साथ अगर बात करें तो कहा जा सकता है कि जो उपचुनाव होने हैं ये मुख्यमंत्री की साख को लेकर के, उनकी प्रतिष्ठा को लेकर के बड़ा अहम चुनाव है। चाहे बीजेपी की अगर बात करें या कांग्रेस की अगर बात करें तो दोनों ही अमला वहां पे अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उनको निर्मला गहतोड़ी, उनको बनाया गया है चंपावत उपचुनाव को लेकर के, तो कहा जा सकता है कि मुकाबला बड़ा कड़ा होने वाला है। अब ये देखना है कि चुनाव की करवट किस तरीका बैठती है। जिस तरीके से पूर्व में खटीमा से पुष्कर सिंह धामी हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के आलाकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था उत्तराखंड का, लेकिन अब फिर से जब उनको चुनाव को लेकर के चुनाव लड़ना है और चंपावत सीट उन्होंने चुनी हुई है, तो कहा जा सकता है कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहेगा। जी रितु जी बिल्कुल अनुज, देखिए दिलचस्प और बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला तो है ही। बीजेपी ने नामांकन दर्ज करा दिया है, कांग्रेस का नामांकन कब तक में दर्ज कराया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस की अगर आज बीजेपी का नामांकन दर्ज हो रहा है और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की कल राजधानी देहरादून में कोर कमेटी की बैठक है, बैठक के बाद ये डिसाइड होगा, जिसमें जिस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कई जो कांग्रेसी नेता है वो मौजूद रहेंगे और लगातार मंथन रहेगा कि किस दिन नामांकन कराना है। कल की बैठक के बाद ये क्लियर होगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी किस दिन नामांकन कराती है। जी बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।